एक साथ 7 टाइगर और कभी 8 भी, न मैंने कभी ऐसा सुना था न कभी देखा था। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की ये बात सच है या सिर्फ एक कहानी, ये बड़ा सवाल था। पर फिर भी वाइल्ड लाइफ में ऐसे चांसेस लेने पड़ते हैं, और इसमें कोई शक नहीं था कि हम इस बात को सिर्फ एक कहानी मान के छोड़ दें। पर ठीक 2 दिन पहले पेंच में हम और एक चांस ले रहे थे, ब्लैक लेपर्ड का, ब्लैकी का, जो इस समय पूरे वाइल्ड लाइफ की न्यूज़ में छा गया था। हम लोग पीछे ही चेक करते हैं सर, क्योंकि अगर ब्लैकी का मूवमेंट तो कुछ लग नहीं रहा है। कल? हाँ कल मिला है। हाँ कल रोड क्रॉस करते लोकल के लोगों को मिला 4-5 गाड़ियों। ब्लैकी, पिछले 2 साल से मैं इसकी तलाश में हूँ, पर हर टाइम कुछ ना कुछ रीजन से ये मिस होता है। इस बार पेंच में भारी बारिश हुई थी जिसके कारण वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हुई थी, पर जंगल में एंटर करते ही कुछ ऐसे साइंस बने जिससे लगा कि ब्लैकी आसपास ही होगा। उसका मेल का ब्लैकी को जिस एरिया में कल शाम को देखा गया था, उसी एरिया में बंदरों के अलार्म्स कॉल शुरू हुए। बंदर थोड़े इस साइड आ गए, इधर एकदम नजदीक दिख रहा है वो। हाँ नहीं, इधर भी है, पीछे लेना, पीछे लेना और पीछे लेना। हम अब भी वहीं जहाँ तुम मिले ना वहीं थे हम लोग। कल इवनिंग में रोड क्रॉस करके उस साइड गया था, अभी रात में 2:30 बजे किसी को मिला बोलते हैं कार वाले को, तो अभी सुबह बता रहा था। जैसे हमको ये खबर आती है कि ब्लैकी इस साइड आ गया है फिर से वापस, तो हम यहाँ पे अभी आ गए। पीछे लेना भाऊ, बता रहे कि जंगल में शांति है पूरी। रुक देना, नहीं है, नहीं है। क्या क्या लगा? लेपर्ड के पंजे जैसे लगा। चलो राइड खत्म होने के बाद हमें संजय डुबरी से अजांश का फोन आता है। वो एक किसी कहानी के बारे में बात कर रहे थे, मौसी माँ बागिन की एक कहानी। जो वर्तमान में अपने 3 और उसके बहन के 3 ऐसे 6 बच्चों को पाल रही है। ये बात थोड़ी अजीब थी, एक साइड में ब्लैकी था जिसके लिए मैं पेंच आया था, तो दूसरे साइड मौसी माँ की कहानी। फुल कन्फ्यूजन, ऊपर से संजय डुबरी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। पर बिना सोचे समझे मैंने मौसी माँ की कहानी को चुना, और 12 घंटों का सफर तय करते हुए रास्ते में बांधवगढ़ के जंगलों के आसपास के जानवरों को देखते हुए और कुछ छोटी मोटी परेशानियों को सुलझाते हुए हम उसी रात संजय डुबरी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट पहुंचे। हाँ थोड़ा सा संजय डुबरी की ये पहली राइड, दिमाग में एक ही तस्वीर थी, 7 टाइगर एक फ्रेम में दिख रहे थे मुझे, सपने देख रहा था मैं, जिप्सी के पीछे 2 टाइगर होंगे, आगे तो इधर उधर टाइगर, पगला गया था मैं। पर शायद सबके माइंड में वही तस्वीर होगी जो मैं देख रहा था, क्योंकि ये कहानी ही इतनी इंटरेस्टिंग थी। संजय डुबरी की वाइब में मुझे कॉर्बेट पार्क की महक आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं कॉर्बेट पार्क में हूँ। और जैसे ही हमने पार्क में एंट्री की असली गेम शुरू हुआ। शुरुआत में ही हमें बाघ के फ्रेश पगमार्क दिखे। बहुत फ्रेश पंजे लगे थे, मिल सकते हैं इस रोड पे, चल चल। इधर गए वो भी, आके इधर गए, जैसा हम थोड़ा। बाकी बच्चे इधर हैं?
कुछ फॉरेस्ट के अफसरों ने माँ के साथ बच्चों को देखा था, पर बस कुछ सेकंड के लिए, शायद वो मौसी माँ ही होगी। हम तुरंत पगमा को ट्रेस करने लगे। हर मुमकिन जगह पे छानबीन करते हुए हमें कुछ और पगमार्क मिले, पर वो मेल टाइगर के थे। पीछे बंदर है और डीएसपी है, पंजे नाले तक ही लगे हुए, शायद वो टाइगर जो है नाले में ही रुका है, शायद ये मेल टाइगर है, तो हम नाले के आसपास ही घूम रहे हैं अभी। दो बार कुछ आवाज आई थी वहां से है ना, टाइगर अभी हमने नाले तक आने की कोशिश की और नाले तक पग मार्क्स नहीं है, इसका मतलब है टाइगर कहीं तो भी अंदर की तरफ कट चुका है। मौसी माँ की कहानी कुछ सालों पहले शुरू हुई थी, जब उसकी माँ कमली बांधवगढ़ से संजय डुबरी आई थी। उसके बारे में लाल जी और अजान जी बता रहे थे। बांधवगढ़ से कमली फीमेल टाइगरिस आई थी, उसके फर्स्ट लेटर्स वाले दो फीमेल्स बच्चे हुए और एक मेल हुआ। उसके जो फीमेल कप्स थे, एक का नाम 17 और एक 18 नंबर, और उस कमली के सेकंड लेटर्स वाली जो उसके कप्स थे उसका नाम था 28 नंबर। ये 18 मींस जिसका नाम यहाँ के लोगों ने गौरी दिया था। तो 18 नंबर के चार बच्चे हुए और चार बच्चों में से दो उसमें मेल थे और दो फीमेल बच्चे थे। मेल बच्चे को तो यहाँ का मेल ने मार दिया था। फर्स्ट लेटर वाली जो 18 नंबर थी उसने ट्रेन एक्सीडेंट में मर गई। जब गौरी नहीं रही थी इस दुनिया में, उस समय बच्चे करीबन 8 महीने के थे, 7 से 8 महीने के थे, और सबसे दुखद बात ये थी कि जब वो गई, अचानक गई, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि माँ गई थी एरिया मार्क करने, किल करने, और वापस ही नहीं आई। और उसके तीन बच्चे बचे, अब उसने यहाँ पे बिना खाए पिए काफ़ी दिन तक माँ के इंतज़ार में बैठे रहे, और उसके बाद उन्हें यहाँ वहाँ तलाशने लगे कि भाई मेरी माँ कहाँ गई। अभी ये बिना कुछ खाए पिए थे, डिपार्टमेंट वालों ने बकरा वगैरह मुर्गा ये सारी चीज़ें की व्यवस्था करने लगे, लेकिन वो बकरा और मुर्गा देख के भाग जाते थे, ये कुछ खाते नहीं थे। कमली का फर्स्ट लेटर था जिसमें T17 T18 थे, तो 17 जो सगी बहन थी T18 की, उसने क्योंकि उसके खुद तीन बच्चे उसके भी हैं, बट उसने बीइंग सगी बहनों के इनके बच्चे इसके बच्चों को बिल्कुल भी अपनाया नहीं। उसके बाद ये धीरे धीरे मौसी की टेरिटरी में अपने पहुंच गई, जो कमली के सेकंड लेटर से बच्ची थी। उसके बाद जब मौसी ने किल करती थी, और उसके बाद ये सारे बच्चे साथ में मिलके, मौसी के तीन बच्चे थे और ये 18 नंबर के भी तीन बच्चे थे, तो सब मिलके साथ में, और फिर धीरे धीरे ये रहने लगे। अब तो 12-14 महीने के हो गए हैं, अब एडल्ट होने में इनको बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। जो सपना देखा था, जो सात बागों की एक फ्रेम देखी थी, वो असलियत में मिल नहीं रही थी, तो ये जाहिर सी बात थी कि सेकंड राइड को हमारे चैलेंजेस बढ़ गए थे। उस वक्त मेरे लिए एक बुरी खबर पेन से आती है। ब्लैकी वहां के सभी टूरिस्ट को बढ़िया दिखा, ये खबर मैंने इग्नोर करने की खतरनाक कोशिश की और मौसी माँ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, और हम जंगल में क्लूज ढूंढने लगे। हाँ वही बैठा है, वही सामने देखना जो व्हाइट पेड़ दिख रहा है, वही जो वहाँ पतला से जो उसके सामने ऐसे ऐसे बैठा है। हमारे सामने अभी लेपर्ड था, पहाड़ी पे बैठा था पत्थर से, फिर उसके बाद उसने मूवमेंट कर ली और वो फिर से वापस ऊपर चला गया और उधर बैठा है। कहाँ टाइगर कहाँ था? टाइगर तो अभी है क्या? अभी भी अच्छे दिखे, लेपर्ड टाइगर
रोहन रोहन ट्रैवल स्टोरीज, रोहन ट्रैवल स्टोरीज, हम आएंगे ना? हाँ डेफिनेटली पक्का आएंगे अभी। चलो चलो बाय बाय। सो एक जिप्सी बोली कि टाइगर नहीं था, एक जिप्सी बोली कि टाइगर था। अभी वो पता नहीं है कि जहाँ हम लेपर्ड को देख रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि उसके पीछे उसी पहाड़ी पे पीछे की तरफ टाइगर था, और एक जिप्सी ने देखा उसके पीछे भी जिप्सी थी, उनको हमने अभी पूछा तो वो बोल रहे कि टाइगर नहीं है। पर इतना कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है ये नहीं पता। टाइगर ऐसा भी गया है, टाइगर इस साइड से गया है, अंदर की तरफ से टाइगर ऐसा गया है। सो टाइगर इस तरफ गया है, और जो वो बोल रहे थे वो सच बात थी। अभी हमको पग मार्क्स भी दिखे हैं, तो हम इसी रोड से अभी आगे जा रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी है वहाँ पे, कोई एक जिप्सी है वहाँ पे। भाई बैठा था ऐसे, हमें लगा तो बोल नहीं पाए टाइगर। गाड़ी गाड़ी इनके बाजू में लगा। लेपर्ड क्या लेपर्ड क्या टाइगर के पास ऐसे है? लेपर्ड क्या टाइगर के पास क्या लिख लिया अपने सामने क्रॉस नहीं किया उसको स्मेल आएगा वो डर गया से। तो अब जैसे हम आगे गए इन्होंने टाइगर की क्रॉनिक्स पता नहीं कि उस जिप्सी के लोगों ने किसको देखा था, क्योंकि उस जगह पे पंजे तो भाग के लगे थे, पर वहाँ वही तेंदुआ भी था जिसने अभी रोड क्रॉस किया था। चलेंगे बिटखुरी टावर, बिटखुरी टावर से चले गए कचहरा झील, उधर टाइगर का लोकेशन देखते हैं अगर मिलता है तो। मौसी माँ को ढूंढ पाएंगे क्या? मौसी माँ का तो अब चांस नहीं है, पर अगर बोलेंगे तो चल देंगे उधर भी। तो वो काबू का बाई चांस में बच्चा साथ में रहते हैं। अरे होगी काबू अपने भर घूमते नहीं होगी बच्चा काबू लाई थी नहीं। रोड क्रॉस कर गए हैं? हाँ इस साइड बच्चा हाँ इधर गया ना। हाँ ये वाला जो तो बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा था ना उसे, ये वाले पहाड़ी में बोल रहे हैं कि क्रॉस हो गए हैं। अभी टाइगर की लोकेशन जो इन्फॉर्मेशन जो मिली है, टाइगर यहीं पर है। सारे बच्चे जो कप्स वगैरह वो इसी मतलब इधर ही आसपास के नाले के आसपास है, बट कंफर्म लोकेशन नहीं मिली है। मौसीमा और बच्चे जिस नाले के आसपास थे वहाँ हमने घंटों बिताए, हर जानवरों की चाल ढाल पे नज़र रखी, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही हमें कुछ क्ल्यू मिल सके, पर जानवरों के बर्ताव सामान्य थे। उसके बाद जब हम वापस जा रहे थे तब हमें एक बढ़िया खबर मिली। ऐसा पता चला है कि माँ ने किल किया है, और बच्चे भी उसी साइड गए हैं जो पैदल मस्ती करते हैं। फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने उसको वहाँ देखा था, उन्होंने एक गाय को मारा है। अभी तो फिलहाल पार्क का टाइम हो गया, हम वहाँ नहीं जा सकते, तो कल सुबह हम उस जगह पे जाके ट्राई कर सकते हैं। लास्ट राइड लास्ट चांस, अगर इस बार नहीं तो संजय डुबरी वापस नहीं, और अगर इस बार तो फिर बार बार। ये मौसी माँ की कहानी हकीकत में लाने का मेरा आखिरी प्रयास था, भारत में बाघों की दुनिया की एक नायाब कहानी, संजय डुबरी जैसे अंडररेटेड फॉरेस्ट को लोगों के सामने लाने का एक आखिरी मौका। जो किल की हमें खबर मिली थी उसे ये उम्मीद थी कि सभी बाघ वहाँ हो सकते हैं, पर शिकार कल शाम को ही थी, यानी 12 घंटे से ऊपर। फिंगर क्रॉस, और अब 7 टाइगर वाली फ्रेम फिर से दिखाई देने लगी थी। बड़का डॉल तरफ उधर ही, उधर से चले नहीं है क्या? अरे नहीं हर तरफ है। नहीं नहीं टाइगर यही है, ये तो बता रहे हैं कैंप वाले। नहीं वहां पे है ना, अगर नाटक लगता है ग्राउंड मार के आ जाते अपन। हाँ वही ना, टाइगर अगर मूव किया होगा तो कम से कम अपन को बदमाश को उधर ट्रैक कर लेंगे अपन, पर हो सकता भी मूव कर रहा हूँ।
करनी। वो फ्रेम तो कंप्लीट नहीं हो पाई, पर मौसी माँ के चार बच्चों को हमने साथ में देखा। कहानी अधूरी होने के बावजूद भी उसे फुल स्टॉप देने का वक्त आ गया था। शायद कभी मौका मिले तो उस फुल स्टॉप को मिटा के सात बागों वाली कहानी की पूरी तस्वीर आपके सामने लाने की कोशिश रहेगी। कौशल को एक लड़की मिली और उसने उसको सिर्फ लेंस देके चली गई, बोले कैमरा की बॉडी बाद में भेजूंगी। और अभी तक 2 साल हो गए, कैमरा की बॉडी नहीं मिली है। और कौशल दर दर की ठोकरी आके सिर्फ लेंस लेके जंगलों में घूमता है। कौशल बॉडी कब मिलेगी? कौशल बॉडी कब मिलेगी? इधर